नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश की आवाज में। और मैं हूं प्रकाश, इस समय मिर्जापुर जनपद विकासखंड 96 के बजटा गांव में, जहां पर एक मामला काफी दिनों से मेरे कानों तक पहुंचा था लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। आज बजटा में ही सीडीओ मैडम का कार्यक्रम लगा था और उसके दौरान मैं आज यहां पर बजटा में पहुंचा, तो मुझे यहां के ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, विधवा है बेचारी, उनको आज तक आवास नहीं मिला जबकि वो पात्र हैं। ऐसे कई सारे अपात्र लोग हैं जिनको जिनके आवास है और जिनके घर में ट्रैक्टर से लेके बुलेरो, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, उनको भी आवास दिया गया है लेकिन इस विधवा माँ को अभी तक मैं मिलाता हूँ आपको। ये है विधवा माँ, क्या नाम है दादी आपका? शकुंतला देवी है। आइए मैं इनका आवास दिखाता हूँ, जो जहाँ पे ये अभी वर्तमान में रहती है। ये इस तरीके से झुक के जाना पड़ता है, पॉलीथीन लगी हुई है और ये देखिए यहाँ पर ये रहती है शकुंतला जी, यहाँ पर रहती है। इतनी बुरी स्थिति में रहती है, शायद कोई आम आदमी, आम इंसान न रह पाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस झोपड़पट्टी में ये रहती है। कई बार लोगों ने आवाजें उठाई, कई बार यहाँ के ग्राम प्रधान से कहा गया, यहाँ के क्षेत्र पंचायत से कहा गया, इस क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य है उनसे कहा गया। आप देख सकते हैं ये पुराने जमाने का ये दादी ने रखा हुआ है। आप सोचिए एक बार कि कितनी पुरानी विचारधारा की वो माता जी है, कि उन्होंने सारी चीजों को सजो कर रखा है, उसके बावजूद भी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और ये देखिए अभी भी ये चूल्हे पे खाना बनाती हैं। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, सुमंगला योजना और क्या क्या, तो उज्ज्वला योजना, उसके तहत गैस सिलेंडर और आवास दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की बातें तो बहुत बखूबी होती है लेकिन आज तक इनको कोई भी आवास या भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये यहाँ पर इनका मकान था, हम आपको दिखाएंगे। आप ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर इनका पूरा मकान था और ये मकान पूरी तरीके से ढह चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमी बची हुई है। मकान दूसरे का है। और ये जिस मकान में रहती है शकुंतला देवी, वो मकान फिलहाल में दूसरे का है और उन्होंने दया करके दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने चैनल की तरफ से कि उन्होंने उस शकुंतला देवी दादी माँ को अपना मकान दिया रहने के लिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि एक अपात्र होने के बावजूद भी उन्हें आवास नहीं मिला, और लाखों ऐसे अपात्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको आवास मिल जाता है। आइए हम मंडी में ही मारा था ही। तब प्रधान से कह रहे हो? हाँ, प्रधान ने कहा, प्रधान से कहा, प्रधान का कहा था, प्रधान का कहे ना, प्रधान कहा था की चल न मिले, कहे कहे न मिले, पता नहीं कहे। अच्छा, रुपये भर दिया, पैसा कितना पैसा दिए रहो? अरे 20,000। 20,000 रुपया? 20,000 रुपया। बूढ़ी दादी को, शकुंतला जी को, जिन्होंने अभी साफ शब्दों में कहा कि ग्राम प्रधान को 20,000 रुपए दिया गया, उसके बावजूद भी आवास नहीं मिल पाया। पिछले 3 साल से परेशान है, उसके बावजूद भी अभी तक इनको आवास नहीं मिल पा रहा है। एक विधवा औरत को परेशान किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि 20,000 रुपए इनसे ले भी लिए गए, उसके बावजूद भी आवास नहीं मिल रहा है। हम जानना चाहेंगे आखिर क्यों। यहाँ पर अभी सीडीओ मैडम आई थी और बीडीओ साहब आए थे, अगर हमें पहले जानकारी होती शायद हम इसको विजिट कराते। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि सीडीओ मैडम को बुलाकर यहाँ विजिट कराऊं। और बूढ़ी दादी है और इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं गांव वाले लोग, गांव के जो लोग हैं इनको खाने के लिए भी व्यवस्था देते हैं, जिनको जो हो पाता है वो अपनी तरफ से वो पहुंचाते हैं। गांव के लोग से हम सामूहिक तौर पर जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि हम कई बार सबको अवगत करा चुके हैं, कई अधिकारियों को फोन कर चुके हैं, विधायक जी को दिखा चुके हैं, लेकिन कितना एप्लीकेशन पड़ा, आज तक इनको आवास नहीं मिल पाया, जबकि इनके पास रहने का ठिकाना आपके सामने देख रहे हैं आप। और ये पात्र भी हैं, ये नहीं अपात्र हैं, इनको न दिया जाए, पात्र भी हैं, विधायक भी देख के गए हैं यहाँ से और यहाँ पे वीडियो भी आके देख चुके हैं, लेकिन कई लोगों को दिखाया, सेक्रेटरी को कई बार मैं दिखा चुका हूँ। वजह क्या है कि क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं क्या वजह है, क्या जरूरत है, पैसा के जो भी हो कारण, अब ये कारण तो हमको नहीं पता चल पा रहा है। प्रधान से जब बोला जाता है भेज दिया, लिस्ट में नाम गया, अभी तक आ नहीं पा रहा है। कितने प्रधान, इनके पहले प्रधान थे, ये जो वर्तमान प्रधान है, सबके पास लिस्ट, बोलते हैं लिस्ट में नाम गया, अब आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे देखते हुए 3 ठंडी काट चुकी, दो ठंडी काट रही है, बारिशों में सब कैसे बताइए। इसमें आप लोग हमारे घर रखे हैं, इनके घर में रखा हुआ है, गाय कहीं बांध रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, वहीं हमारे घर में रह रही हैं, चरपाई है टूटा, अभी आपको दिखाएं चरपाई टूटा, इनके बच्चे हैं, बच्चे एक लड़का है, 3 लड़कियां, लड़का कहाँ है? लड़का आज मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करने का, यानी वो लड़का भी यही रहता है, आवाज में दोनों लोग रहते हैं, सब लोग यही है। इनका पता हूँ।